झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर की कपड़ापट्टी में स्थित मां कीरा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। सूचना मिलने के बाद चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर के बैंक कॉलोनी निवासी सह ज्वेलर्स दुकान के मालिक अजमिल पथाल ने बताया कि मंगलवार रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। बुधवार की सुबह जब अजमिल पथाल के पुत्र बबलू पथाल दुकान खोलने के लिए आया तो देखा कि दुकान में लगे करीब 12 तारों को अज्ञात चोरों द्वारा तोड़ दिया गया है। ताले को तोड़ने के बाद दुकान में घुसकर दुकान में रखे लाखों रुपए के आभूषण को चोरी कर लिया गया है। इसके बाद बबलू ने चक्रधरपुर थाना में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और अज्ञात चोरों के फिंगरप्रिंट्स लेकर आगे की जांच में जुट गए हैं। मेरा बाबू आया, मेरा लड़का आया, देखा ताला टूटा हुआ है तो देख के हमको फोन किया, फिर गया ले कम आए। काउंटर में रखे सब माल चोरी हो गया है। काउंटर का सब माल, काउंटर में जितना था सब माल। की चोरी का कितने का लागत, कितने का मतलब वो नहीं बता पाएंगे भैया। कितना का गया है, कैसे है, हम देखेंगे। मैं लड़का कितना माल रखता है, क्या है, कैसे बताएंगे, देखना पड़ेगा। अधिकतर लड़का रहता ना दुकान में। अखंड भारत न्यूज के लिए प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।